नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका टेक्निकल जे गुरुजी के प्रेस एपिसोड में। आज हम आपको बताने वाले हैं गैलेक्सी A9 के बारे में, तो चलिए शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपना गैलेक्सी A9, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी कि चार कैमरे हैं, मतलब कि ये पक्का इरादा कर दिया सैमसंग ने कि इस बार सबकी वाट लगा दी, कैमरा किंग बना दिया है गैलेक्सी A9 2018 वाले को, क्योंकि भाई मिड रेंज सेगमेंट में ऐसा कोई भी मोबाइल नहीं था, मुझे तो नहीं लगता। आप बताओ मुझे कमेंट में कि आपको क्या लगता है। अगर हम सबसे पहले जो इसका मेन फीचर है वो इसका कैमरा है, इसके अंदर आपको चार कैमरा मुहैया करवाए हैं इस बार सैमसंग कंपनी ने। सबसे पहला 24 मेगापिक्सल का आता है, दूसरा आपका 10 मेगापिक्सल का, और तीसरा है 8 मेगापिक्सल का, और चौथा है 5 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी अच्छा कैमरा है इस बार। जो शुरू का कैमरा है वो रियर कैमरा है, जिसका पिक्सल 1.7 है। जो दूसरा कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए काम में लिया जाता है, और जो तीसरा कैमरा है वो टेलीफोटो लेंस 2x ऑप्टिकल जूम के लिए काम में लाया जाता है, और जो लास्ट का है वो डेप्थ सेंसर है 5 मेगापिक्सल का, जिसका पिक्सल 2.2 है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कि आप वाइड एंगल हो, कोई सा भी एंगल हो, फोटो एकदम क्लियर मुहैया करवाएगी इस बार सैमसंग कंपनी। सैमसंग ने कदम धर दिया है भाई, दिल खुश कर दिया मेरा तो। आप मुझे कमेंट में बताओ आपका किया नहीं किया। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ कमी नहीं छोड़ी है इस बार सैमसंग ने। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 नंबर 1, जी हाँ। बट भाई एक बात मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग सी लग रही है सैमसंग की तरफ से, क्योंकि जो वो बात है कि भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ओवरऑल होना ही होना चाहिए था, क्योंकि भाई साहब आप अगर रुके तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा ही होगा ये मिड राइज सेगमेंट में ये मोबाइल, क्योंकि भाई ओवरऑल चार कैमरा मुहैया करवाए इस बार सैमसंग कंपनी ने, तो ये काफ़ी अच्छा है। मतलब कि मेरा दिल, मैं क्या कहूँ भाई, सैमसंग वालों की तारीफ करने में मज़ा सा आ रहा है इस टाइम पर। आप कहोगे कि भाई पैसे खा लिए, कर लिए, वो कर, कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई मन खुश कर दिया। ओप्पो वीवो कहाँ पर सो रहे हो भाई, आजकल क्या करते हैं कि दूसरे तीसरे दिन मोबाइल लॉन्च करते रहते हैं। लेकिन वही है, मुझे नहीं पता कि एक ही मीडियाटेक, कभी स्नैपड्रैगन 660 तो मीडियाटेक का हेलो P60, सेम कंडीशन है भाई, कुछ बदलाव लाओ आप लोग भी। और अगर बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो वो FHD प्लस है और सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी लेस की गई है, तो ये काफ़ी बेटर लगा है मुझे उसके अंदर। और दूसरी बात करते हैं हम इसकी स्टोरेज की, वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो 6GB 128GB और 4GB 64GB, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 512GB तक, तो ओवरऑल गुड पैकेज फॉर यू। अगर हम इसके बात करते हैं दूसरे स्पेसिफिकेशन, यानी कि इसका जो मेन UI है स्टॉक एंड्रॉयड है, वही है भाई जो समझते हो आप एंड्रॉयड ओरियो। जी हाँ, एंड्रॉयड ओरियो मिलेगा, और एंड्रॉयड पाई का अपडेट भी बहुत जल्दी सैमसंग आपको मुहैया करवाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ओवरऑल एक ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा हैंडसेट है आपके लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन भाई इसका वेट करना होगा अभी आपको इंडिया के अंदर, क्योंकि प्राइस अभी बाहर निकल के नहीं आई है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं भाई, हेल्प करो मेरी थोड़ी ही, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता, ओवरऑल किसी को भी नहीं पता। बट हाँ, नवंबर तक वेट करो, नवंबर के अंदर प्राइस बाहर आ जाएगी, आप परचेज कर सकते हो, मोबाइल जाएगा सीधा फ्लिपकार्ट की ओर से, और बस फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो, फटाक देसी प्री ऑर्डर हो जाएंगे स्टार्ट। और भाई मुझे ये बताओ कि आपको इसके अंदर कौन सा फीचर अच्छा लगा। मैंने तो बता दिया कि मेरा मनपसंद है जो इसके अंदर कैमरा क्वालिटी, मुझे काफ़ी इनहेंस कर दी है इस बार सैमसंग ने। इनहेंस क्या, अपनी पूरी ताकत लगा गिरी, मतलब कि एक मिड रेंज सेगमेंट में ऐसा मोबाइल है ही नहीं था। फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वो बैक पैनल पर है, लेकिन भाई कोई बात नहीं, 3D कवर्ड ग्लास है, फुल बॉडी ग्लास वाली है, और बॉडी इतनी स्लिम है कि आपको हाथ में लेने पर लगेगा कि कुछ अच्छी बात है। तो बस यही है कहानी गैलेक्सी A9 को लेकर, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।